राहुल कुमार और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों को खोज रही यूपीएसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। तो उमेश पाल हत्याकांड में यह बड़ी कामयाबी, गुर्गा गुलाम झांसी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस खबर के सामने आने के बाद अतीक जो है विफर कर रोना शुरू हो जाता है। तो बेटे असद और शूटर गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया क्या है यूपीएसटीएफ का। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम से एनकाउंटर झांसी में हुआ। पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर में ढेर होने की पुष्टि की है। पुलिस उमेश पाल मर्डर केस में नाम आने के बाद से ही दोनों की तलाश कर रही थी और आज आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम दोनों उमेश पाल मर्डर में केस वांटेड थे। दोनों के सिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इस मुठभेड़ में यूपीएसटीएफ की टीम को डिप्टी एसपी नावेंदु और डिप्टी एसपी विमल लीड कर रहे थे। यूपीएसटीएफ की टीम ने मौके से विदेशी हथियार भी बरामद किया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड सामने आ रही है। जाति के अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया। इसके साथ ही गुलाम को भी झांसी में सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज शूटआउट के बाद से असद जो है फरार चल रहा था, जिसके बाद अब जाकर झांसी में असद और अतीक के गुर्गे को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जो अतीक के बेटे असद को कहीं ना कहीं पुलिस ने ढेर कर दिया है। एक लंबे समय से असद को लेकर तलाशी चल रही थी। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सब फोन लाइन पर झांसी से बने हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे मामले में। बॉडी को भी बरामद कर लिया गया, इसके साथ ही हथियार भी बरामद किया गया है। मैं आपको बता दूं, इस समय मेडिकल इमरजेंसी में हूं और इस समय जो है जो दूसरा जो इनकाउंटर अतीक के बेटे का हुआ जी, इससे जो है जांच पड़ताल जो है पुलिस कर रही है। यहाँ पे काफी पुलिस बल तैनात है और तीसरे इनकाउंटर की भी सूचना है। जो गुड्डू मुतरिफ वो भी पारिशाह के पास देखा गया है और लगभग पुलिस ने उसको भी ढेर कर दिया है। एक बार फिर से क्या वो जानकारी आप दोहरा सकते हैं, ये तीसरा इनकाउंटर किसका हुआ है, एक बार फिर से आप वो जानकारी जरा दोहरा दे। गुड्डू मुतरिफ सर, जो तीसरा आरोपी पाल की हत्या में जो तीसरा आरोपी था गुड्डू मुतरिफ, उसको भी लगभग पुलिस ने जो है देखा गया है जी। तो उसको जो है इनकाउंटर कर भी दिया है वहाँ। यानी कि कुल मिलाकर आपसे कुछ देर में ये भी सूचना आ सकती है कि ये गुड्डू जो है ये भी कहीं ना कहीं पुलिस के एनकाउंटर का शिकार हो चुका है। अब बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल शिकार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मुख्यमंत्री की वो बात जो है कहीं ना कहीं सच होती दिख रही है मिश्रा जी। बिल्कुल 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 सर, मुख्यमंत्री जी की बात बिल्कुल सच होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये एनकाउंटर से हमने यहाँ लोकल में बात की है अधिकारियों से या जनता से ही, तो उन्होंने भी यही सबसे कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है बहुत सही हो रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर ये कहां से पुलिस को पूरी जानकारी मिली, क्योंकि ये जो शख्स है कभी नेपाल भाग रहा था, कभी आसपास के राज्यों में इधर उधर मूवमेंट कर रहा था, अचानक से पुलिस को ये कैसे स्पॉट कैसे होता है? पुलिस को ऐसे स्पॉट हो पाया है कि कल जब अतीक यहां से निकला जी झांसी से, तभी जो है पुलिस को शक हुआ कि कोई ना कोई बात तो है कि जो है कभी उसको जो है पारिछा में भी देखा गया, यहाँ देखा गया, यहाँ से जो लोकल के सूत्रधार है जिन्होंने उसको पना दी है उनके पास भी पुलिस जो है पहुंच रही है, पता कर रही है, उनको भी पता पकड़ रही है पुलिस लोकल में जी। असद के पास से कुछ हाईटेक हथियार भी मिले हैं, आखिर उनको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? हथियार भी मिले हैं, कुछ बम भी मिला है जो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, उनकी जांच पड़ताल चल रही है इस समय। ये जो अभी बताया जा रहा है कि कुछ व्हीकल्स भी इनके साथ बरामद हुए, हम तस्वीरों में भी जो तस्वीरें आपने हमारे साथ शेयर की उन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि इनके साथ पास कुछ व्हीकल्स भी है, तो क्या ये वहां से कहीं भागने के फिराक में थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल
बिल्कुल, ये भागने के फ्राक में थे और कहीं ना कहीं ये बाइक से भाग भी रहा था। ये सब पुलिस ने जो है इसको तुरंत जो है इंकाउंटर किया है। वहीं पारिछा है, पारिछा बड़ागांव थाना क्षेत्र में पारिछा पड़ता है, तो पारिछा डैम के पास से ही ये भाग रहा था। तभी जो है पुलिस ने एकदम से जो है बिल्कुल डबल फोर फायरिंग हुई, करीब 40 से 50 राउंड फायरिंग हुई है। मिश्रा जी, आखिरी सवाल, क्या पुलिस के किसी जवान को भी किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें पुलिस के किसी भी जवान को कोई भी चोट नहीं आई है। पुलिस ने बिल्कुल सूझबूझ से अपना काम लिया है और इस मिशन को सफल किया है। शुक्रिया मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, असद जो है अतीक अहमद का बेटा वो ढेर हो चुका है। इसके साथ ही एक और जो गुर्गा है गुलाम, ये भी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि गुड्डू जो तीसरा आरोपी था वो भी कहीं ना कहीं, उसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही कि वो भी इस एनकाउंटर का शिकार हुआ है। तो अब सबसे बड़ी ये जो अपडेट है, रफ्तार मीडिया पर आप सुन रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम जो है पुलिस के हत्थे ये भी चढ़ चुका है। और अब से कुछ ही देर में इस पूरे मामले को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही, जहां गुड्डू मुस्लिम भी असद के साथ कहीं ना कहीं पुलिस के एनकाउंटर का शिकार हो चुका है। पहले अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर होता है, उसके बाद गुर्गा गुलाम ये भी पुलिस के एनकाउंटर का शिकार हुआ है, उसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस के एनकाउंटर का शिकार हुआ। आपसे कुछ ही देर में ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे कोर्ट परिसर की, जब अतीक अहमद जो है उस पर वकीलों का गुस्सा दिखता है, अतीक के ऊपर चप्पल की बारिश, जूतों की बारिश शुरू कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता जो है प्रयागराज कांड के बाद से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे, जिसका असर भी अब यह देखने को मिला कि कोर्ट परिसर में अतीक की पेशी होने जा रही थी। और अंत में आप कैमरे के फ्रेम के आगे देखेंगे किस तरीके से अतीक के ऊपर एक अधिवक्ता जो है गुस्से में जूता चला देता है। तो कहीं ना कहीं माफिया के ऊपर जो लोगों का गुस्सा था वो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। अरे रास्ता फैलाओ भाई, वो आ रहे, वो आ रहे, वो आ रहे, दोनों आ रहे। तो अब जब माफिया अतीक के बेटे का खात्मा हो चुका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पुराना संदेश याद किया जा रहा। सदन में मुख्यमंत्री ने प्रयागराज हिंसा के बाद साफ किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो महेशपाल मर्डर केस के आरोपी असद अहमद के एनकाउंटर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि अतीक के बयानों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो किसी की हत्या करेगा उसे कानून के हिसाब से फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। यूपी एसटीएफ की इस कार्रवाई से पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी है, ऐसे अपराधियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, हत्यारों को सजा मिलना तय है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ और इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा,
लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर, लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूँ। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा है। अतीक और अशरफ को रिमांड मिली है सर, क्या कहेंगे? अतीक अहमद रो रहा है। देखिए जो कितने परिवारों को बुलाया, मां नहीं रो रही है, पत्नी नहीं रो रही है, बच्चे नहीं रो रहे हैं, वो जो पुलिस के दो। तो जयपाल एनकाउंटर के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि जो हुआ है अच्छा हुआ, इंसाफ की शुरुआत हुई है, प्रशासन न्याय दिलाएगा। जयपाल ने आगे कहा कि सीएम योगी ने जो किया है बहुत अच्छा किया, उन्होंने अपनी बेटी के सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई है, इंसाफ हुआ है, पुलिस ने बहुत सहयोग किया। क्या कुछ कह रही है सुनिए। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है, उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता है, मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया, बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे अभी क्या मांग है आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है, प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है, वो देर नहीं चाहिए लेकिन देंगे, प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही, ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है, उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के, उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं बहुत धन्यवाद ही कह सकती हूँ। तो एक तरफ असर ढेर हो चुका है तो अब दिग्गजों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इसे कानून व्यवस्था का जीता जागता सबूत बताया है। बधाई दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा कि सदन में बोला था कि उत्तर प्रदेश को हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, जितने गुंडे माफिया उन्हें मिट्टी मिला देंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति पर मांगा और हमें दोबारा सरकार में मतलब जनता ने भेजा, उन्हें हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। आज ऐसे अपराधी जितने भी हैं, यही हम उस टीम को भी बधाई देते हैं, एसटीएफ को और डीएसपी को, कि उन लोगों ने अभिरक्षा में लेने का प्रयास किया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो भी कुछ हुआ है, इससे बेहतर तो एसटीएफ और डीएसपी बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर इनाम घोषित हुआ है तो इसमें निश्चित रूप से उसके खिलाफ एविडेंस है और न्यायालय में मुकदमे हो जाते हैं और न्यायालय बार बार पुलिस को और सरकार को नोटिस जारी करती है कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं खोज रहे हैं। प्रेस मीडिया सभी लोग, जनता भी चाहती है, आज के दिन में अगर 5 लाख का इनाम है तो उन्हें जाकर सरकार मतलब न्यायालय में सरेंडर करना चाहिए था, वहाँ एविडेंस देना चाहिए था।